hankering for और craving for means तरसना। और जल्दी ही मैंने आपको एक लेसन पढ़ाया जहां मैंने आपको सिखाया कि longing for means होता है तरसना। अगर हम बात hankering for और craving for की करें तो आप longing for की जगह पर इन दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहना चाहें कि तरस रहा हूं या तरस रहा है या तरस रही है, तो आप longing for प्लस जिरन या hankering for प्लस जिरन या craving for के साथ जिरन का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप ing form का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर कहना हो वह आइसक्रीम खाने के लिए तरस रही है तो आप कहेंगे सी इज हंकरिंग फॉर ईटिंग आइसक्रीम, या फिर आप ये कह सकते हैं सी इज क्रेविंग फॉर ईटिंग आइसक्रीम, या फिर आप ये कह सकते हैं सी इज लॉन्गिंग फॉर ईटिंग आइसक्रीम। ये तीनों टॉपिक्स इंटरचेंजेबल है, जो आपको इजी लगे आप उसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं इंग्लिश सीखने के लिए तरस रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। आप ये भी कह सकते हैं आई एम हंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हैं आई एम क्रेविंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। वह नौकरी पाने के लिए तरस रहा है तो आप कहेंगे ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, या फिर आप ये कह सकते हैं ही इज हंकरिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, या फिर आप ये कह सकते हैं ही इज क्रेविंग फॉर गेटिंग अ जॉब। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा तो क्या दो सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।